बेसिकली मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया है जो पूरा एक क्राफ्ट है, जो खानियारी टाइल्स हैं। तो दिस इज़ दी ओनली सर्वाइविंग मास्टर क्राफ्ट्समैन जो ये टाइल्स बनाते हैं। एक टाइम पे कश्मीरी घरों में इनके मोहल्ले पे एक टाइम पे एक दिन में 3,000 टाइलें बनती थी। बट ऐसा जी जी बिल्कुल ट्रेडिशनल ग्लेज टाइल्स, ये मटीरियल क्ले होता है और उसके ऊपर जो फिनिशिंग होती है वो ग्लेज्ड होती है। सो एट अ टाइम ये चीज़ें बनती थी, इतनी कॉमन एलिमेंट था कश्मीरी घरों का। बट विद टाइम देयर वर न्यूअर मटीरियल्स एंड आप देखेंगे अब मकानों में राजस्थानी मार्बल भी लगा होता है। सो दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू बाय मीन्स ऑफ टेकिंग वन एग्जाम्पल कि हमारे जो क्राफ्ट थे उसमें क्यों इतना डिस्कनेक्ट आया। ये लोगों के लिए एक सोचने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ सामने रखें कि हमारा एक अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा विद ऑल आर क्राफ्ट, हाउ आर वी मेकिंग अ न्यू आइडेंटिटी, वॉट आर द न्यू चॉइस। देखिए ग्लेज टाइल्स यहाँ पे काफ़ी जो है प्रैक्टिस किया जाता था, ग्लेज टाइल्स का काम काफ़ी हद तक यहाँ पे होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर जब मॉडर्न टाइल्स आए तो उससे इस क्राफ्ट को काफ़ी धचका लगा और हमारा एक ही क्राफ्ट्समैन यूजुअली अब ये बचा था। तो लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से हमने एक स्कीम लाई, कारखानदार स्कीम, जिससे हमने एक यंग एंटरप्रेन्योर को ये सिखाया और आज की डेट में आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि नए प्रोडक्ट्स भी बने हैं। तो एक इंटरवेंशन से एक ऐसा आर्ट बच गया जो शायद जो है एक्सटिंक्शन की कगार पे था। इस एग्जीबिशन से हमें ये एक जो डाइंग आर्ट है कश्मीर का, क्योंकि जो बहुत सारे क्राफ्ट्समैन हैं द आर्ट इज़ डाइंग, तो वो उस पर फोकस हो रहा है। तो द मेन फोकस वॉज टू हाईलाइट के द आर्ट इज़ डाइंग, क्योंकि जो नई जनरेशन्स के लोग हैं देर नॉट फॉलोइंग द क्राफ्ट्समैनशिप। जैसे बहुत सारे क्राफ्ट्समैन हैं, ख़त्म बंद है या कोई भी पर्टिकुलर आर्ट है, पेपर माशी है, कारपेट मेकिंग है, तो उनके जो पर्टिकुलर फ्यूचर जनरेशन है देर नॉट फॉलोइंग द ट्रेडिशनल ओल्ड सिस्टम्स जो उनके पहले के जनरेशन्स कर रहे थे। जी बिल्कुल, आई थिंक एज अ कश्मीरी ईच वन ऑफ अस वी आर वेरी प्राउड ऑफ आर इनहेरिटेंस एंड आर कल्चर। कश्मीर में आप देखिए जो पुराने घर हैं, आप छोड़ दीजिए फ्रॉम ब्यूटी और एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर सो कम्फर्टेबल। वुड वर्क है, वग्गू है, मिट्टी का बोर है, ये जो टाइल्स हैं ये तो कश्मीर के वेदर के लिए आइडियल हैं। हम लोग आजकल जो मार्बल वगैरह जो हम लोग बाहर की वो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं बहुत इम्प्रेसिव हमें लगती है, बट आई डोंट थिंक सो एनी थिंग इज़ कंपेरेबल टू कश्मीरी आर्किटेक्चर। आप पुराने घर देखिए कितने खूबसूरत थे। दे अनफॉर्चुनेटली कश्मीर हैज़ बिकम अ कंक्रीट जंगल,